Student, now we see the question number 17. This is exactly like the last one. The following information relate to the activities of production department for certain period in a factory. Material use 72,000 rupees, direct wages 60,000 rupees, hours of machine operate 20,000. A hours hai, rupees nahi hai student. लेबर वर्क, लेबर काम जो कर रहा है वो मशीन काम कर रहा है, ये लेबर का वर्क है 20,000, 24,000. ओवरहेड जो लास्ट क्वेश्चन में 62,000 दिया था, यहां पर ओवरहेड 48,000 है. ऑन वन ऑर्डर कैरिंग आउट इन द डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड द रिलेवेंट डेटा. मटेरियल यूज हम लोग करते हैं 4,000 रुपीज का. लेबर्स 1650, वेजेस दिया है 3,300, जो लास्ट टाइम 45 और 50 दिया था. और मशीन्स आर्स दिया है 1,200. प्रिपेयर अ कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ दिस ऑर्डर. इस ऑर्डर का हम लोग को एक स्टेटमेंट ड्रॉ करना है बाय यूजिंग द फॉलोइंग थ्री मेथड्स. अभी थ्री मेथड्स यूज करके, जैसे मैंने बताया कि मटेरियल और लेबर तो कॉन्स्टेंट रहेगा, ये ओवरहेड का तीन इसने इंफॉर्मेशन दिया है. मेथड्स ऑफ रिकवरी ऑफ ओवरहेड, डायरेक्ट लेबर आर्स है, डायरेक्ट लेबर आर्स रेट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है और मशीन आर्स रेट है. लास्ट वन की तरफ, यस लास्ट वन, एग्जैक्ट लास्ट वन की तरफ. तो हम लोगों को डायरेक्ट लेबर आर्स रेट चाहिए, डायरेक्ट लेबर आर्स रेट चाहिए, लेबर का आर्स रेट चाहिए स्टूडेंट, लेबर का आर्स रेट. तो जो एक्सपेंसेस है उसको हम लोग लेबर से, लेबर आर्स से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को उसका पर आर्स समझ में आएगा. अब स्टूडेंट आप देखोगे एक्सपेंसेस है ओवरहेड डिपार्टमेंट का 48,000 रुपीस, और इसके लिए लेबर काम कर रहा है, लेबर 24,000 आर्स काम कर, 48,000 रुपीस खर्चा हो रहा है और 24,000 आवर्स काम हो रहा है, तो पर आवर्स कितना हो जाएगा 2. ये हो गया रुपीस 2 पर आवर्स. सेम फॉर सेकेंड वन, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये लेबर कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट. अब 48,000 रुपीस खर्चा हुआ, लेबर कॉस्ट के पीछे 60,000, तो ये कितना परसेंटेज एक्सपेंसेस हुआ, तो 80%, मतलब इसके अंदर लेबर का 80% एक्सपेंसेस है. मशीन आर्स रेट, यहां पर लेबर आर्स रेट था, यहां मशीन का आर्स रेट, पर आर्स रेट फाइंड कर रहे हैं. वंस अगेन एक्सपेंसेस इज 48 एंड 20,000 आर्स के लिए. मशीन कितना चला है 20,000 आर्स. इस क्वेश्चन में ये आपसे नहीं पूछा है, ये कैलकुलेट नहीं करेंगे. एंड जस्ट वी ड्रॉ द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट शोइंग जॉब कॉस्ट. Now we draw the three columns only. Three words here say after us. First one, labor hours rate per. Labor hours rate. Direct labor cost.
लेबर कॉस्ट, मशीन आश्रय, मशीन एक्सपेंसेस, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवर मटेरियल्स। मटेरियल्स देखोगे 4000, लेबर 3300, एंड नाउ ओवरहेड, ओवरहेड। अब हम लोगों ने फाइंड किया डायरेक्ट लेबर आवर्स, लेबर को पर आवर्स कितना देना पड़ रहा है 2 रुपीस, और लेबर ने वर्क कितना किया है 1650, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं, 1650 इंटू 2 रुपीस, तो ये हो गया 3300। लेबर कॉस्ट 80%, तो लेबर कॉस्ट देखोगे 3300 है आपका लेबर, उसका 80% खर्चा होता है आपका, तो 3300 के ऊपर 3300 80% स्टूडेंट 2640 एंड लास्ट वन इज मशीन आश्रय। अब मशीन देखो, मशीन ने कितना काम किया स्टूडेंट 1200, काफी सिंपल क्वेश्चन है और आप दे रहे हो 2.40, जस्ट यू मल्टीप्लाई। तो मैंने बताया 1200 मशीन चला, 1200 आज चला, 2.40 से 82880, दैट्स इट, 4300 3300 2640 9940 4300 2640 9940 4300 2880 that's it। okay student, this is the question। तो इसमें कुछ भी मिरेकल नहीं है स्टूडेंट, कुछ भी न्यू नहीं है, चीजें यहां पर बार बार क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। सो प्लीज यू कॉन्सेंट्रेट, यू ट्राई अगेन एंड अगेन, एंड प्लीज ऑल दीज थिंग्स यू नोट इन द नोटबुक। आप सिर्फ इस भरोसे रहोगे कि चलो ना वीडियो में है, कभी भी देख लूंगा, तो कभी भी आपको आने वाला नहीं है स्टूडेंट। सो प्लीज